विद्या के सिद्ध पीठ के रूप में संपूर्ण विश्व में स्थापित विश्वविद्यालय वाराणसी अपने गौरवशाली परंपराओं को दूरी पर अग्रसर है। सन 1791 में संस्कृत पाठशाला या कॉलेज के रूप में संस्था 22 मार्च 1958 से वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय एवं 10/2023 से विश्वविद्यालय के रूप में अनेक सोपानों पर पार करते हुए संपत्ति अपनी स्थापना के उद की पूर्ति में अग्रसर है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय से संबंध हमारे संस्कृत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों तथा नई दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, तेह एवं प्रदेश आदि में संचालित है। विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह अत्यंत गरिमामय होता है। इसका समर्पण जो 16 संस्कारों में अति महत्वपूर्ण है, ब्रह्म आश्रम से लेके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के मार्ग भी दीक्षांत देने से है। देखिए वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। वहाँ महिला उत्थान हो, पुरुष का तो उत्थान है ही है, महिलाओं के उत्थान के लिए इस बार हम लोगों ने भारतीय संस्कृति की समवाहिका विद्या परिषद और कार्य परिषद द्वारा संस्कृति के अनंतर कुलाधिपति से हुए परामर्श के अनुसार पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी को दिया जा रहा है, जो कि आप जानते हैं, और उन्हीं को वाचस्पति दिलीप उपाधि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मुख्य अतिथि के रूप में चयन किया गया है कि देखिए समाज में जैसे पुरुष की सहभागिता है, महिलाओं की सहभागिता है, और हमारा जो ये भारतवर्ष जो है महिला आचार्य कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है रवि कुमार जायसवाल, जो कि जेन के प्रकार किसी कार्य के लिए उसने हमसे संपर्क किया, अचानक रात्रि में उसके जो कोई विघ्न आ रहा था उसकी हमने निवारण कर दिया। ऐसा ये समझिए गांव का रहने वाला बालक इस विश्वविद्यालय में इस बार रवि कुमार जायसवाल स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहा है। 9 स्वर्ण पदक श्री सौरभ शुक्ल एवं सुदर्शन, जैसा कि आप जानते हैं 230 अथवा 231 वर्षों का इतिहास इस विश्वविद्यालय का है, जो पाठशाला से संस्कृत पाठशाला से संस्कृत कॉलेज के रूप में परिणत होना, उसके बाद यही 1958 में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, कालांतर में यह संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हुआ है। बहुत बड़ा इतिहास है इस विश्वविद्यालय के प्रति। तो ये हमारा सौभाग्य है कि इस बार इस तरह कितने लोगों को उपाधि दी जानी है, 15,520 छात्र छात्राओं को उपाधि दी जाएगी दीक्षांत समारोह में। 39वें दीक्षांत समारोह जनवरी 2022 के तृतीय दिनांक को संपादित होने वाले संभावित जो कल दीक्षांत समारोह होगा उसमें 15,520 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे और सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ता 37 ऐसे पदक दिए जाएंगे छात्रों को विभिन्न नामों पर। 63 पदक हैं और प्रदान किए जाएंगे। आचार्य कक्षा में सर्वोच्च अंक रवि कुमार जायसवाल प्राप्त किया है। 9 स्वर्ण पदक उसे है श्री सौरभ शुक्ल एवं सुदर्शन गौतम को 5 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। श्री चंद्रशेखर पांडे, श्री शिवम चतुर्वेदी एवं श्री मोहित को 3-3 सुवर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। जी बात की जाए तो मुख्य अतिथि इसमें कौन है? इसमें मुख्य अतिथि क्या नाम है, प्रोफेसर पद्मश्री प्रोफेसर मालिनी अवस्थी है, जो कि गायक के साथ विभिन्न भाषाओं की जानकार है, भारतीय संस्कृति की संपोषिका है, भारतीय संस्कृति के संवर्धन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत विभाग में एक पीठ स्थापित की गई, उस पीठ की अध्यक्ष भी। 39वां दीक्षांत समारोह मना रहे हैं गुरु जी, कितनी की भीड़ होगी? हाँ देखिए अभी
किसी महानुभाव ने बताया था, तो हमने राज्य सरकार के द्वारा एक COVID-19 प्रोटोकॉल आए, उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत चूँकि हम नियमानुसार 200 के लिए सरकार का निर्देश है, उसी के अनुरूप ही हम 200 लोगों को पंडाल में उपस्थित करने के लिए अनुमति, जेपी नड्डा को आमंत्रित किया गया है, क्या कारण है उनकी जगह मालिनी अवस्थी को बुलाया गया है? उनकी व्यस्तता थी, उनकी व्यस्तता आप जानते ही हैं कि बहुत व्यस्तता होने के कारण हमने मालिनी अवस्थी को चयन किया। कोविड दिशा निर्देश का क्या पालन होगा, किस तरह से लोग एंट्री लेंगे? एंट्री के समय हम हमारे कुछ उसके रहेंगे, वर्कर रहेंगे जो सबके हाथ में वो क्या नाम है जो जरूरी होता है सेंट और सैनिटाइजर से वो कराएंगे, उसके अंतर्गत सबको एक हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी